तो कुछ इस तरह से नालदेड़ा का गोल्फ कोर्स, और इसके अंदर जो है वो पब्लिक के लिए एंट्री नहीं है। और जो आप ये स्ट्रक्चर पूरा देख रहे हैं, ये वुड जो है वुड पाइन ट्री के वुड्स हैं। और यहाँ देखिए दोस्तों नेचुरल वाटरफॉल, क्या खूबसूरत लग रहा है। हम लोगों ने एक सेब लिया, कुछ इस तरह वाली वेराइटी है, छोटी पेटी है ये, इतनी छोटी सी। अब दोस्तों आप देखिए इस समय विजिबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और दोस्तों काफ़ी रात हो गया है, यहाँ से अंबाला जो है 1.5 किलोमीटर रह गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी लोगों का अपने एक और नए ब्लॉग में। तो आज हम चलने वाले हैं यहाँ से नालदेड़ा के गोल्फ कोर्स के लिए। और बात की जाए दोस्तों आज हम कौन कौन सी जगह कवर करेंगे, तो आज नालदेड़ा को कवर करने के बाद हम रिटर्न शिमला जाएंगे, और जिस होटल में हम लोगों ने स्टे किया था वहाँ से अब व्यू देखिए कितना प्यारा आ रहा है। अभी मैं बाहर से भी आपको दिखाऊंगा। और कुछ इस तरह से था अपना कमरा, हम लोगों ने बिस्तर वगैरह बिखेर रखे हैं। तो चलिए अब निकलते हैं यहाँ से बाहर और मिलते हैं आपसे नालदेड़ा के रूट पर। तो चलिए दोस्तों आज का राइड स्टार्ट करते हैं। और ये था अपना कुछ होटल, और अभी मैं आपको यहाँ पर आने का रास्ता दिखाता हूँ। उसके बाद एक और आएगी वो एकदम एक्सट्रीम वाली है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ थोड़ी हल्की है ये देखिए, और अभी इसके बाद जो है वो और भी एक्सट्रीम। नालदेड़ा वाली रोड, तो अब इस पर चल चले, यहाँ से 6.5 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है, तो बहुत ज़्यादा लगेगा, 10 से 20 मिनट लगेंगे पहुँचने में। और इस तरफ बहुत कम टूरिस्ट आते हैं, बस वही एक नालदेड़ा गोल्फ कोर्स है, उसके आगे ताता पानी भी है, बहुत बढ़िया बढ़िया जगह है। ये दोस्तों पूरा जंगल का क्षेत्र है, जितना भी अभी अब तक हम लोगों ने क्रॉस किया, कहीं कहीं गांव वगैरह आ रहे हैं, मतलब ऐसे होटल वगैरह हैं लेकिन कहीं कहीं गांव आ रहे हैं, और पूरा विलेज मतलब जंगल का जो क्षेत्र है वो है। यहाँ रास्ता है, यो 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 अभी थोड़ी देर पहले 3-4 कर्व, फिर एक कर्व, फिर एक कर्व, कर्व ही कर्व, वाजी है। और दोस्तों यहाँ से व्यू देखिए क्या खूबसूरत व्यू आ रहा है सुबह सुबह। सामने विलेज है, और अभी फिर एक कर्व, इस तरफ के चट्टानों को देखिए किस तरह से, सामने आगे देख सकते हैं वहाँ पे लैंडस्लाइड भी आपको दिखता होगा, आगे एक टेंपल भी है। चलिए चलते हैं।
दोस्तों यहाँ से नालदेड़ा 2 किलोमीटर आ गया। चलिए 10 मिनट भी नहीं लगेगा। मंडी 200 किलोमीटर, नालदेड़ा 1 किलोमीटर और ये खूबसूरत जगह है। नीचे क्या खूबसूरत व्यू आ रहा है यहाँ से। जो ऊपर देख रहे हैं यही नालदेड़ा का गोल्फ कोर्स है। देखते हैं इसका गेट एंट्री कहाँ से। पहुँच गए नालदेड़ा गोल्फ क्लब में। सामने बोर्ड देख सकते हैं और ये है मेन गेट इसका। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं ऊपर ही शायद पार्किंग वगैरह है। पार्किंग करते हैं वैसे। देखिए बोर्ड लगा है, यहाँ लिखा है गोल्फ कोर्स में प्रवेश वर्जित है, उल्लंघन करने वाले को दंडित किया जाएगा। तो एंट्री है कहाँ से, देखते हैं ऊपर चल के। और कुछ इस तरह से रास्ते हैं नीचे से जिग जैग करते हुए। देखते हैं, बात करते हैं, कोई मिलता है तो चलते हैं अंदर, एंट्री करते हैं। तो कुछ इस तरह से नालदेड़ा का गोल्फ कोर्स। और इसके अंदर जो है वो पब्लिक के लिए एंट्री नहीं है, मतलब मेंबर्स आ सकते हैं और पब्लिक के लिए एंट्री है कहीं से उस तरफ से शायद। केवल व्यू देख सकते हैं आप यहाँ से, बस इतना ही है। और जो ये गोल्फ कोर्स है इसमें बीच में आप देख सकते हैं छोटे छोटे इस तरह से लेक बने हुए हैं जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं। और अंदर कुछ जो मेम्बर्स हैं वो गोल्फ खेल भी रहे हैं। और जैसे अभी तक जितना मुझे पता चला कह रहे हैं अगर ये पब्लिकली के लिए ओपन कर दिया जाएगा तो पूरा ये हमेशा भरा रहेगा, इस वजह से शायद ये जो है हमेशा क्लोज करके रखते हैं। ये यहाँ का रेस्टोरेंट है। तो कुछ इस तरह से था और नीचे से हम लोगों ने इस रास्ते से होते हुए आए हैं ऊपर। तो चलिए अभी तो फ़िलहाल यही व्यू पॉइंट है और यहीं से हम देख सकते हैं। आगे से भी मैं आपको दिखा देता हूँ इधर से। तो ऐसा है। और कुछ इस तरह से है ये रेस्टोरेंट अंदर से। अभी सभी कुछ क्लोज हैं। और ये देखिए ये जो आप गेट देख रहे हैं यहाँ से टूरिस्ट के लिए एंट्री होती है। और जो आप ये स्ट्रक्चर पूरा देख रहे हैं ये वुड जो है वुड पाइन ट्री के वुड्स हैं उनसे बने हुए हैं। तो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है ये। और जितने भी ठंडे इलाके हैं वहाँ तो आप जानते ही हैं कि ज़्यादातर स्ट्रक्चर जो है वुड से ही बनाए जाते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा मिनी बार भी बनाया गया है, ड्रिंक्स वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ आप देखिए सामने लिखा हुआ है एंट्री रिस्ट्रिक्टेड मेंबर्स ओनली, लेकिन आप सामने आप देख लीजिए बार और रेस्टोरेंट भी है। लेकिन यहाँ पे एक मेंबर्स थे उनसे बात करके अंदर तक आए हैं और अंदर का आपको पूरा व्यू जो है वो दिखा पाए हैं। अब चलते हैं यहाँ से अपने अगले लोकेशन में। और कुछ इस तरह से रास्ते थे और ये आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े पाइन्स के ट्री हैं। और अगर आप विजिटर हैं तो आप ये जो रास्ता सीधा जा रहे हैं ना ये आगे जा कर के केवल आप रेस्टोरेंट तक जा सकते हैं और रेस्टोरेंट से व्यू आप देख सकते हैं। इतना ही केवल अलाउ किया गया। बाकी मैं अभी इधर जो अंदर का एरिया आपको दिखाया था ये मेम्बर्स के लिए। तो मेम्बर्स को क्या क्या सुविधाएँ मिलती हैं और वो भी सारी चीज़ें मैं आपको दिखा दिया। अब चलते हैं यहाँ से नीचे। नीचे अपनी बाइक वहाँ खड़ी है। और इन सब जगह आप देख सकते हैं फ्लावर्स वगैरह लगाए गए हैं कुछ इस तरह से। ऊपर भी एक रेस्ट हाउस वगैरह है, नीचे भी है इस तरह से बने हुए। चलिए दोस्तों अब यहाँ से चलते हैं अपने अगले लोकेशन में। तो और कल रात का टेम्परेचर यहाँ पर 14 डिग्री गया था, ना बहुत ज़्यादा ठंड थी कल रात में। और अब यहाँ से चलते हैं, शिमला के कुछ लोकेशन मुझसे रह गए थे उन सभी को कंप्लीट करेंगे। यहाँ ये नहीं समझ में आ रहा, विजिटर के लिए भी तो ओपन करना चाहिए इन लोगों को। अब ये केवल मेंबर्स के लिए ओपन कर रखे हैं, विजिटर कहाँ जाएंगे। काउंटर वगैरह सब कुछ बंद है, पता नहीं कितने बजे से सब खुलेगा।
अभी मैंने एक शॉप यहाँ पे पास में ही एक शॉप था, उनसे पूछा कि क्या विजिटर नहीं जा सकते, तो उन्होंने बताया कि नहीं विजिटर तो नहीं जा सकते हैं। तो हम कहें ऐसा भी तो होता है, विजिटर बहुत सारे आते हैं घूमने जाते हैं, तो बता रहे कि 10 रुपये जो है वो एंट्री टिकट है और 500 रुपये घोड़े का चार्ज है, तब आप जा सकते हैं अंदर। ये तो भाई बहुत एक्सट्रीम हो गई, 10 रुपये की एंट्री टिकट और 500 रुपये घोड़े का चार्ज। चलिए अगर आपका इच्छा हो तो आप आ सकते हैं, हालांकि शिमला से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पे, और बाइक ना हो तो मुश्किल है, कार आपका कोई भी पर्सनल व्हीकल होना चाहिए आने के लिए तो आप आ सकते हैं, वैसे नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा, या तो आप प्राइवेट कैब करिए तब आइए। चलिए अब यहाँ से तो खड़ी चढ़ाई है, ये देखिए कैसा वेदर हुआ है यहाँ का, ठंड बहुत लग रही है। मैं दोस्तों अगर आप बाइकिंग करना चाहते हैं ना, तो आपको कंपलसरी कुछ चीज़ें तो बेसिक आनी चाहिए, जैसे अगर आपकी स्पार्क प्लग में गंदगी है वो साफ़ कर लीजिए आप, पंचर वगैरह छोटा मोटा जैसे मान लीजिए ट्यूबलेस टायर है उसका पंचर वगैरह लगाना आपको आना चाहिए। और इस सामने का व्यू देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, और इस तरह के कुछ बेसिक चीज़ें जैसे स्पार्क प्लग साफ़ कर लिए, कार्बोरेटर क्लीन कर लिए, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें आपको ज़रूर आनी चाहिए। क्या है कि ट्रैवल में कभी कदाल ऐसे, अब जैसे ये लोकेशन है यहाँ पर कोई भी मैकेनिक नहीं है दूर दूर तक, तो यहाँ पे अगर आप जानकार हैं आपके पास टूल्स हैं तो आप निकल सकते हैं, वरना आप यहाँ बैठ के इंतज़ार कीजिए, जब मैकेनिक आएंगे या आप किसी से मदद मांगेंगे तब ना, तब तक तो काफ़ी समय लेट हो चुका होगा। अब इस तरफ से वेदर देखिए भैया, हिमाचल का समझ में नहीं आता, कहीं बारिश कहीं सूखा, अभी पीछे पूरा सूखा हुआ था और इधर आप देखिए फिर बारिश हुई है, पूरा भींगा हुआ है सड़क यहाँ पे। सामने अब धूप निकला हुआ है, अभी पीछे बारिश हो रहा था, यहाँ देखिए धूप कितना तेज है, शिमला गजब है भाई, यहाँ के वेदर का ना कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं, इधर पूरा रास्ता सूखा हुआ है, कहीं बारिश नहीं। पिछले बार हम लोग नारकंडा जा रहे थे जब, तो रास्ते में पूरा बारिश हो रहा था शिमला में, और इधर जैसे आए नारकंडा के लिए जो ये मसोबरा नारकंडा का रास्ता कटता है वहाँ से पूरा सूखा पड़ा था। इधर देखिए थोड़ी भी बारिश के आसार नहीं लग रही है, लीजिए दोस्तों हम लोग मेन हाईवे के पास पहुंच गए। ऊपर वाला रास्ता कुफरी नारकंडा के लिए निकलता है और हमें निकलना है सीधा, इधर वाला रास्ता चला जाएगा शिमला के लिए, शिमला सिटी में, और अभी हम चल रहे हैं यहाँ से बाईपास होते हुए शिमला को बाहर बाहर ही क्रॉस करेंगे। वैसे दोस्तों मैं बार बार आपको कहता हूँ ना शिमला में कुछ नहीं, शिमला दरअसल मैं शिमला ऐसा क्यों कहता हूँ क्योंकि अगर आप मान लीजिए दिल्ली में तो ट्रैफिक वगैरह देख ही रहे हैं, शिमला में भी आकर के वही चीज़ देखें तो क्या मतलब, इतना क्राउड है शिमला में कि क्या बताया जाए। इससे अच्छा अगर आप इसके आसपास के लोकेशन जैसे नारकंडा मसोबरा या इस तरफ कुफरी इन सब जगह पर घूमेंगे ना तो वो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब इन सब जगह पर देखिए कितना कंजेस्टेड है, जगह जगह बसें गाड़ियाँ होटल वगैरह मिलते नहीं हैं, जो मिलते हैं वो ओवर प्राइस होते हैं, खाना भी उतना अच्छा मिलता नहीं है बहुत, अगर ऐसे पैसा खर्चा करेंगे तो मिलेगा ही, लेकिन अगर आप चाहे कि थोड़ा कम बजट में आपको मिल जाए तो उतना अच्छा नहीं मिलता। वही आपको इससे आगे निकलेंगे मसोबरा नारकंडा की तरफ तो आपको अच्छा खासा खाना जो है वो कम बजट में मिल जाएगा। तो ये सारी थोड़ी सी शिमला की निगेटिव पॉइंट है, हालाँकि शिमला भी खूबसूरत है ऐसा नहीं है, बर्फबारी वगैरह में बहुत प्यारा लगता है शिमला। अब यहाँ से खड़ी ढलान है अपनी, तो ब्रेक कैमरा ऑफ करते हैं, ब्रेक दबा करके चलते हैं आराम से। और इधर देखिए दोस्तों शिमला जो है पूरी तरह सूखा हुआ है, कहीं भी बारिश या पानी कुछ नहीं, ये तो ऐसे लगा हुआ पहाड़ों पे से रिश्ता है वो, नहीं तो पूरा रास्ता सूखा है। अब हो सकता है 2 बजे के बाद बारिश बता रहा, तो हो सकता है बारिश हो जाए इसी वजह से रिटर्न हो रहे हैं। आगे मनाली करने का मन था लेकिन वेदर वहाँ का अच्छा नहीं है। और यहाँ पे सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ टेम्पल, नीचे जाना होगा उसके लिए।
ये है दोस्तों इसके लक्कर बाज़ार का पीछे का एरिया देख सकते हैं, काफ़ी सारी लकड़ियाँ जो हैं वो सेल हो रही हैं। और दोस्तों शिमला में बहुत एक्सट्रीम ढलान होती है और ये जाम ट्रैफिक। दिल्ली में लोग ट्रैफिक से परेशान हैं तो शिमला में भी तो परेशान है। आप देखिए शिमला में पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है, करीब करीब 1-1.5 किलोमीटर से आ रहे ट्रैफिक कंटिन्यू लगा हुआ है वहाँ से। यहाँ लग रहा है किसी VIP को निकाला जा रहा है, इस वजह से जो है रोका गया। चलिए अपना सिग्नल हो गया। रेलवे स्टेशन मैं कह रहा था ना, एक रास्ता नीचे से जाती है और देख लिया आप सभी तरफ, आप देखेंगे ना शिमला में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगी हुई है। ये बल्कि शिमला से करीब 4-5 किलोमीटर दूर का एरिया है वहाँ मैं बता रहा हूँ, आप देखिए लाइन से ट्रैफिक। आप ऊपर देख रहे हैं ये निकल जाएगा सीधा मनाली के लिए और अभी हम लोग चल रहे हैं सोलन, क्योंकि हम नीचे उतर रहे हैं। और दोस्तों इस जगह से व्यू देखिए पूरे वैली का, क्या खूबसूरत व्यू लग रहा है। और ऊपर पहाड़ों पे तो बिल्कुल क्लाउड है इस समय। और अभी हम पहुंच चुके हैं तारा देवी। अब यहाँ से ज़्यादा नहीं 40-50 किलोमीटर के आसपास सोलन होगा और सोलन से 30-40 किलोमीटर चंडीगढ़, मुश्किल से 1-2 घंटा और लगेगा नीचे उतर जाएंगे। ये देखिए शिमला का एग्जिट गेट आ गया। और यहाँ देखिए दोस्तों नेचुरल वाटरफॉल, क्या खूबसूरत लग रहा है। इस तरह पहाड़ी से इस समय जगह जगह पानी गिर रही है, वाटरफॉल बने हैं। तो तारा देवी के आसपास का वेदर देखिए कितना सुहावना हुआ है, पूरे फॉगी वेदर हुए हैं इस समय और बहुत ही ज़्यादा इस समय ठंडक बहुत ज़्यादा है इस समय यहाँ पे। तो ये गलत रास्ते से गाड़ी ला रहे हैं ना, जिस वजह से यहाँ बहुत संभाल के चलाना है। और ये जो एप्पल्स बेच रहे हैं ना ये थोड़े कॉस्टली दे रहे हैं इस समय, रेट सही नहीं लगा रहे यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे इतना क्लाउडी वेदर आपको दिख रहा है ना, अभी थोड़ा सा मुश्किल से 20 या 30 किलोमीटर जाएंगे धूप होगा और या तो बारिश होती होगी। इस तरह से वेदर हर जगह 10-15 मिनट पे ड्राइव पे चेंज हो रहे हैं। और इस तरह जगह जगह भुट्टे वगैरह मिल रहे हैं, मक्के। ये देखिए ये पहाड़ों से रिस-रिस के पानी गिर रहे हैं, इस वजह से रास्ते जो हैं इधर आसपास के टूट गए हैं। मात्र 3 किलोमीटर चले हैं अब यहाँ पे धूप है। ये देखिए यहाँ से धूप पूरा स्टार्ट, ऐसा ही वेदर है शिमला का, मतलब शिमला क्या हिमाचल प्रदेश का पूरे। लेकिन ये है कि रास्ते इस तरफ का ना शिमला आने के लिए बहुत खूबसूरत, सब बहुत बढ़िया रास्ता है। गाड़ी आराम से अगर आप 50-60-70 तक भी लाएंगे, हालांकि स्पीड लिमिट 30 है लेकिन यहाँ 30 कोई भी नहीं चलेगा। अब दोस्तों इधर बगल में जो रास्ता आएगा ना वही रास्ता तारा देवी टेम्पल के लिए जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा सा आगे चलना होगा यहाँ से, सामने देखिए कंडा घाट 17 किलोमीटर, ढली 33 किलोमीटर, अम्बाला 134। वो देखिए गाड़ियाँ जहाँ से नीचे से उतर रही हैं ना, ऊपर से उतर रही हैं नीचे के लिए, वो रास्ता है तारा देवी मंदिर जाने के लिए। यहाँ से व्यू देखिए कितना प्यारा आ रहा है पूरे वैली का। ये देखिए क्या खूबसूरत व्यू लग रहा है। अभी हम लोग उधर ऊपर पहाड़ी से आ रहे हैं, अभी इस तरफ पूरा धूप है। और दोस्तों सामने आप देख सकते हैं कैथली घाट रेलवे स्टेशन आ गया, टॉय ट्रेन का स्टेशन है ये।
यहाँ देखिए, और अब यहाँ से जो गर्मी है वो लगने शुरू हो गई है, स्वेटर वगैरह निकालना पड़ेगा कुछ दूर के बाद। और दोस्तों यहाँ से देखिए क्या खूबसूरत व्यू दिख रहा है। और अभी तक हम लोग यहाँ पे 570 किलोमीटर जो है डिस्टेंस कवर कर चुके हैं। देखते हैं अब रिटर्न तक हमारे ख्याल से 1000 किलोमीटर कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ देखिए कितने सारे टेडी बियर सेल कर रहे हैं, बड़े खूबसूरत खूबसूरत हैं भाई। हम लोगों ने एक सेब लिया, कुछ इस तरह वाली वैरायटी है, छोटी पेटी है ये, इतनी छोटी सी, और ये पड़ी है 200 की, जिसमें करीब 2-2.5 किलो के आसपास का सेब होगा। ये तो यहाँ ये है कि यहाँ सारे एप्पल जितने भी हैं ना बहुत बढ़िया टेस्ट के हैं, चाहे आप हरे वाले लीजिए, पता नहीं इनको क्या गोल्डन कहते हैं, या रेड वाले लीजिए, सारे सारे बहुत टेस्टी हैं। तो अब चलते हैं, क्योंकि एप्पल ही लेना था मुझे और तब से चल रहा था आगे खोजते खोजते। अब निकलते हैं यहाँ से आगे, हाँ तो अब चलते हैं यहाँ से, सेब वगैरह ले लिए और बढ़िया रेट में दिया सेब, 200 रुपये, यानी करीब करीब अगर 2.5 किलो भी होंगे तो 90 या 80 के रेट में मिल गया, पड़ गया, और ऐसे नहीं तो 100 रुपये किलो पड़ गया। ठीक है, इधर थोड़ा ये है कि ताज़ा है,